लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत। नमस्कार, लाइव दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। तृणमूल द्वारा पूरे राज्य में भाजपा के विरोध प्रदर्शन के बाद प्रदर्शन किए जाने को लेकर उत्तर दिनाजपुर पहुंचे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने तृणमूल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि तृणमूल सरकार चाहकर भी भाजपा को कमजोर नहीं कर सकती है। पहाड़ पर अवैध तरीके से कब्जा किसी भी हाल में संभव नहीं है। तृणमूल कांग्रेस की यह कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने शनिवार को उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर में कार्यकर्ताओं से बैठक के बाद यह बातें कही। दिलीप घोष ने बताया कि हमें डराने या भयभीत करने की हर कोशिश का माकूल जवाब दिया जाएगा। যেকোনো নিরপেক্ষ তদন্ত হোক, কারণ ওখানে একজন রাজ্য সভাপতিকে প্রকাশ্য রাস্তায় হ্যাকেল করা হচ্ছে, অস্ত্র নিয়ে ঘিরে ধরে আক্রমণ করছে মিনিটের পর মিনিট, পাশে চার মিনিট দূরে থানা, ওখানে এত সেন্ট্রাল সিকিউরিটি ফোর্স আছে, পুলিশ আছে, ওখানকার চারজন আইপিএস অফিসার বসে আছেন পাহাড়ে, তারা কী করছিলেন? আমি হেঁটে হেঁটে থানায় গেলাম, গুন্ডারা পিছন থেকে তাড়া করছে আমাকে, একটা পুলিশ দেখতে পেলাম না। তার মানে এখানে পিছনে একটা চক্রান্ত ছিল, দিলীপ ঘোষকে হয় মারো বা খুন করে দাও, সেটা সফল হতে পারেনি। उन्होंने बताया कि मैं तो पहाड़ पर तीन दिन गुजार कर आया, लेकिन जिसकी राज्य में सत्ता है उस पार्टी के किसी मंत्री या नेता ने पहाड़ पर जाने की जहमत नहीं उठाई। अब इस बात का फैसला जनता स्वयं कर ले कि असल में भयभीत कौन है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार में भ्रष्टाचार इस कदर व्याप्त है कि राज्य कोष खाली हो चुका है। शिक्षकों को वेतन देने में सरकार नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में विरोधी पार्टियों के समर्थक तो असुरक्षित हैं ही, सत्ता पक्ष के नेता भी जबरदस्त गुटबाजी के शिकार हैं। दिलीप घोष ने कहा कि भाजपा को रोकने की हर कोशिश नाकाम साबित होगी। विपक्ष हमें समतल में रोक नहीं पाएगी और न ही पहाड़ पर। दिलीप घोष साहस के रोकने गए बोले दिलीप घोष के गुंडा दिए आक्रमण करना ताकि खून करार चेष्टा करा हो जो भयंकर भाव अटैक करा रास्तार मजखने সে গুন্ডাগুলো ছিল সবার হাতে ফায়ার আর্মস ছিল এবং তারা ওখানে পরিচিত মুখ গুন্ডা। সে গুন্ডারা সব বিনয় তামাকের ডান দিকে বাঁ দিকে আছে, তার সমস্ত ভিডিও ফুটেজ আমাদের কাছে আছে। আন্দোলনের সময় যারা ওখানে ছিল তার ছবিও আমাদের কাছে আছে। যেন টিএমসি লোককে যেটা ভুল বোঝাবার চেষ্টা করছে, খুবই মিথ্যা কথা। আর আমি গিয়ে সেই সমস্ত পর্দারা সরিয়ে দিচ্ছি বলে আজকে খুব কষ্ট হচ্ছে, আমাকে বদনাম করার চেষ্টা হচ্ছে, আমার নামে কেস দেওয়া হচ্ছে। हर जगह हम कड़ी शिकस्त देने के लिए तैयार हैं, गुंडों के दम पर हमें दबाने का ख्वाब देखना छोड़ दिया जाए। टीएमसी झंडा तलाए से दीदीमणि पाया हाथ दिए मन कर सबा के पाये झुकिए दिए मानिए नबें तो भूल कर सबा बिनय थापा बिनय तमांग होना सबा अनित थापा होना। दिलीप घोष ने बताया कि इस्लामपुर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या कर यहां संगठन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके परिणाम उल्टे आए। यहां भाजपा और मजबूत बनकर उभरी और मजबूती से आगे बढ़ रही है। पंचायत चुनाव में उत्तर दिनाजपुर में भाजपा को अच्छे परिणाम की उम्मीद है। आज करवा चौथ है और पूरे देश में करवा चौथ की धूम मची हुई है। करवा चौथ एक ऐसा त्यौहार है जिसे सुहागिन महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए करती हैं। करवा चौथ हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। यह भारत के पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान का पर्व है। यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह पर्व सौभाग्यवती स्त्रियाँ मनाती है। यह व्रत सुबह सूर्योदय से पहले करीब 4 बजे के बाद शुरू होकर रात में चंद्रमा दर्शन के बाद संपूर्ण होता है। ग्रामीण स्त्रियों से लेकर आधुनिक महिलाओं तक सभी नारियां करवा चौथ का व्रत बड़ी श्रद्धा एवं उत्साह के साथ रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी के दिन करना चाहिए। पति की दीर्घायु एवं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन भाल चंद्र गणेश जी की अर्चना की जाती है। वर्तमान समय में करवा चौथ व्रतोत्सव ज्यादातर महिलाएं अपने परिवार में प्रचलित प्रथा के अनुसार ही मनाती हैं, लेकिन अधिकतर स्त्रियां निराहार रहकर चंद्रोदय की प्रतीक्षा करती हैं। अक्सर महिलाएं अपनी माँ या फिर अपनी सास से करवा चौथ करने की विधि सीखती हैं, लेकिन अगर आप अपने घर से दूर रहती हैं और यह व्रत करना चाहती हैं तो इसकी विधि जानना बहुत जरूरी है। सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत रखने का संकल्प ले और सास द्वारा भेजी गई सरगी खाएं। सरगी में मिठाई, फल, सेवई, पूरी और सास श्रृंगार का सामान दिया जाता है। सरगी करने के बाद करवा चौथ का निर्जल व्रत शुरू हो जाता है। माँ पार्वती, महादेव शिव व गणेश जी का ध्यान पूरे दिन अपने मन में करती रहें।
रात्रि के समय छन्नी के प्रयोग से चंद्र दर्शन करे, उसे अर्घ प्रदान करे, फिर पति के पैरों को छूते हुए उनका आशीर्वाद ले, फिर पति देव को प्रसाद देकर भोजन करवाए व बाद में भी खुद करे। करवा चौथ के त्योहार को हमने फिल्मों में कई बार अभिनेत्रियों को करते हुए देखा है। बॉलीवुड के कई जानी मानी अभिनेत्रियाँ सिर्फ फिल्मी पर्दे पर ही नहीं अपनी असल जिंदगी में भी करवा चौथ कर अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत।